my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. स्टैंडर्ड मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग को फेस किया था जब मेरे टीचर ने मुझे नेशनल एंथम प्रेजेंट करने को बोला था। फर्स्ट टाइम मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि मैं स्टेज पर चढ़ा था और 5000 स्टूडेंट्स की भीड़ मेरे सामने खड़ी थी और नेशनल एंथम की फर्स्ट लाइन जैसे ही मैंने बोली थी माइक के अंदर मेरी आवाज़ गई थी, घूम के आवाज़ स्पीकर से सीधा मेरे कानों में आई थी और उस वक्त पहली बारी मैंने पब्लिक स्पीकिंग के डर को फेस किया था। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि किस तरीके से मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो चुके थे, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, मेरे कान लाल होने शुरू हो चुके थे, मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे पता था, सब कुछ याद था, बट आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इस डर को बोलते हैं ग्लॉसोफोबिया, जो पूरी दुनिया में 75% से ज़्यादा लोगों को है एंड इंडिया में ये रेशियो जो है वो 90% से तक जाता है। 90% से ज़्यादा लोगों को ग्लॉसोफोबिया है। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप अपने करियर में या अपने लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत तगड़े लेवल पर महारत हासिल कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को लगता है कि टैलेंट है, पब्लिक स्पीकिंग की टैलेंट है, वो उसने कर लिया, मैं नहीं कर सकता। बट टैलेंट और स्किल दो अलग अलग चीज़ होती है। टैलेंट वो होता है जिसके साथ आप पैदा होते हो, बट स्किल वो है जो आप डेवलप करते हो ओवर टाइम। टाइम लगता है, आप इसमें प्रैक्टिस करते हो, आप सीखते हो ये चीज़ें, बट ओवर टाइम आप ये डेवलप कर पाते हो। और चाहे आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करो, चाहे आप कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करो, चाहे आपको अपने किसी इन्वेस्टर को पिच करना हो अपने स्टार्टअप के लिए, चाहे आपको अपने क्लाइंट को पिच करना हो, या चाहे आपको अपने इंटरव्यूअर के सामने खुद को प्रेजेंट करना हो, पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आती है तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी ड्रीम जॉब दिलाने में, आपके ड्रीम पार्टनर दिलाने में, आपका ड्रीम इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर लाने में। इन सब जगहों में ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो सीखते हैं हमारे साथ मिलकर पब्लिक स्पीकिंग। हेलो एवरीवन, अकुल अरोड़ा दिस साइड। एंड मेरे बारे में आपको बता देता हूं कि लगभग 250 से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग स्पीचेस मैं दे चुका हूं इंडिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अलग अलग रेप्यूटेड कॉलेजेस के अंदर मैंने अपनी स्पीचेस दी हैं। एंड लगभग कोविड टाइम पर स्पेशली मैंने लगभग 100 से ज़्यादा वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ है। मुझे पता है पब्लिक स्पीकिंग को यूज़ कैसे करना है। एंड स्पेशली अगर आप चाहो तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल विजिट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरीके से इस स्किल को यूज़ करते हुए लाखों रुपए कमाए हैं, स्किल को मोनेटाइज किया है। और इस मास्टर क्लास के एंड तक आते आते मैं आपको भी ये स्किल सिखाऊंगा, बट शुरुआत करते हैं। इस मास्टर क्लास के अंदर आपको मैं
18 ऐसे पॉइंट्स, 18 ऐसे स्टेप्स देने वाला हूं जिसमें आप पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर हो जाओगे, ए टू जेड प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने ये मास्टर क्लास एंड तक अटेंड कर लिया, आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोई और सेशन, कोई कोर्स, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मार्केट में ये कोर्सेज जो हैं वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के बिकते हैं, बट यहाँ पर इस मास्टर क्लास के अंदर मैं अपना पूरा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ पब्लिक स्पीकिंग का।